हेलो नमस्ते शास्त्रीयकाल। जैसा कि आप जानते हो जन्माष्टमी आने वाली है, तो मैंने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे बनाई है चावल की खीर, जो बाल गोपाल को काफ़ी पसंद है और आप इस खीर को उन्हें भोग भी लगा सकते हो और अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, आप इसे नोट डाउन कर लें। चावल की खीर बनाने के लिए आप सबसे पहले गैस ऑन करके एक बड़े से बर्तन में 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क डालें और उसे उबलने के लिए रख दें। आप देख सकते हो दूध अच्छी तरह से उबलकर तैयार है। तो अब हम इसमें 3 टेबलस्पून चावल डालेंगे, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और 15 से 20 मिनट के लिए इसे पानी में सोक कर रखा है। मैंने यहाँ पे छोटे दाने वाले बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो बड़े दाने वाले बासमती चावल का भी इस्तेमाल करके खीर बना सकते हो। और अब आप इसे अच्छे से मिलाएं ताकि चावल सेपरेट हो जाएं और इनका लंप्स ना बने। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे और इसे लगभग आधा घंटा लगेगा। खीर को बीच बीच में चलाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दूध तले से चिपकने लगेगा और खीर का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। दूध रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम यहाँ पे इलायची ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 पीस इलायची को दरदरा कूट लिया है और मैं यहाँ पे छिलके का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे भी एक अच्छा फ्लेवर आता है खीर में। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और अब आप इसे 1/3 रिड्यूस्ड होने तक पका लें और इसके किनारों पे जितने भी मलाई जमे उसे आप स्पैचुला से निकाल कर दूध में मिलाते जाएं। खीर 1/3 रिड्यूस्ड हो चुका है और अब हम यहाँ पे शुगर 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और शुगर ऐड करने के बाद आप ध्यान रखें कि आपको इसे निरंतर चलाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शुगर डालने के बाद खीर बहुत ही ज़्यादा नीचे से चिपकती है। खीर कुछ लोगों को ज़्यादा मीठी अच्छी लगती है और कुछ लोगों को कम मीठी, इसलिए मैंने यहाँ पे कम मीठी वाली खीर बनाई है 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करके। आप अपने स्वाद के अनुसार शुगर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो। आप देख सकते हैं खीर अच्छी गाढ़ी हो चुकी है और आप इस स्टेज पे 1/2 लीटर और दूध डाल सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा कर अपने अनुसार दूध डालें। मैं यहाँ पे 1 कप दूध डाल रही हूँ। 1/4 कप किशमिश और 8 से 10 पीस काजू को बारीक काट कर डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप यहाँ पे अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो खीर अच्छी तरह से पककर तैयार है। राइस प्रॉपरली कुक्ड हो चुके हैं, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब आप गैस ऑफ कर दें, इसे एक सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लें और इसे रेफ्रिजरेटर में 1/2 आवर के लिए ठंडे होने के लिए रख दें। और उसके बाद आप इस रिच क्रीमी यमी खीर को अपने गेस्ट और फ्रेंड्स को सर्व करें ड्राई फ्रूट से गार्निश कर। और इसे खाने के बाद वो आपसे इस खीर की डिमांड जरूर दोबारा करने वाले हैं। अगर आपको जन्माष्टमी के अवसर पर बनाई गई खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिलीशियस रेसिपी सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हो। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।